बस्तर के विभिन्न जनजाति समाज के प्रमुखों ने नारायणपुर में धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा की गई हिंसा एवं उससे संबंधित अन्य गतिविधियों को लेकर आज रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में जनजातीय समाज के प्रमुखों ने बताया कि बीते 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को नारायणपुर के एड़का पंचायत के गोरो गांव में धर्मांतरित ईसाइयों की भीड़ ने जनजातीय समाज के लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद कई जनजाति ग्रामीणों को अपनी जान की रक्षा हेतु घटनास्थल से भागना पड़ा। ईसाइयों के इस हिंसक हमले में कई जनजाति ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए। समाज के प्रमुखों ने बस्तर की स्थिति की जानकारी देते हुए आगे बताया कि पूरे संभाग में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आज भारत सरकार ने उनको एक प्रयास किया जा रहा है कि उनको कहीं असम में या त्रिपुरा में उनको व्यवस्थित कर रहे हैं का प्रयास किया जा रहा है, और इसी प्रकार का षड्यंत्र बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और खास करके हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, वहां के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं, इसलिए हमारा कोई नहीं सुन रहा है। एक उदाहरण मैं और बताना चाहूंगा, अभी भिलाई में चंगाई सभा हो रहा था, वहां के लोगों ने भी FIR दर्ज की, FIR की कॉपी भी है मेरे पास, और वहां पे हमारे लोग जागरूक हैं, और जागरूकता के कारण, पढ़े लिखे लोग होने के कारण FIR दर्ज किया गया, पर हमारे आदिवासी लोग जागरूक नहीं है, सीधे साधे भोले भाले हैं, इसलिए FIR दर्ज नहीं किया जाता। और जबकि ईसाई मिशनरियों के द्वारा आवेदन मात्र देने से, फोन करने से, वहां का MDOP, वहां का एडिशनल SP, वहां का TI, MTM कलेक्टर तुरंत आ रहे हैं, स्पॉट में आ रहे हैं, ईसाई पास्टरों को ले जाकर के घुमा रहे हैं, और हमारे लोगों को आज भी अत्याचार किया जा रहा है, और बिना किसी कारण के उनको पकड़ा जा रहा है, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, उनको जेल में भेजा रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात। धर्मांतरण तो आजादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बस्तर क्षेत्र को तो आप जानते ही होंगे कि हमारे लोग उतने जागरूक भी नहीं है, और आज भी जागरूकता के कमी के कारण हम यदि FIR दर्ज करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। FIR तो अपन आवेदन भर दे सकते हैं, उसको संज्ञान में लेकर के वहां के अधिकारी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अभी की घटना पर हम लोगों ने भी आवेदन दिया था, हमारे लोगों ने आवेदन दिया था गांव के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अंधविश्वास के माध्यम से स्वास्थ्य का लाभ लेकर के, चंगाई सभा के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि हमारे प्रार्थना में आओगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, आपके जितने भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएगा, इस प्रकार का प्रलोभन दे करके और भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके, हमारे देवी देवता को शैतान और अन्य प्रकार से संबोधित करके इस प्रकार से लोगों को प्रेरित किया जाता है। ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पूरे गांव के गांव कन्वर्टेड हो गए हैं, और उसे गांव में हमारे पूजा पाठ करने वाले जो गायता पटेल मांझी मुखिया होते हैं उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। आप भी हमारे समाज के प्रमुख हैं, यदि उनको भी आप समय दे तो वो भी अपना व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कन्वर्सन होता है तो वहाँ तुलसी माता के जो पौधे रहते होंगे, मंदिर रहता होगा, कैंप भी तोड़ फोड़ वगैरह इसको हटाओ ऐसा कहते होंगे वो लोग, जो मिशनरीज हैं, किस तरह का बातचीत करते हैं वो लोग, किसको हटा दीजिए, जो भी कहते होंगे धार्मिक चिन्हों को नष्ट करने के लिए। उनकी संख्या ज्यादा होने से हमारे धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा के कोई काम वहां पे होने नहीं देते। हमारे धार्मिक और सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम सब लोग प्राकृतिक पूजक होने के कारण उस दिन कोई काम नहीं होता, धरती माता का कोई खेती का काम होता है न कोई और काम होता है, उपवास रहते हैं पूरा गाँव के लोग, और उपवास रह करके अपने सामाजिक रीति रिवाज परम्परा के अनुसार हम देवी देवता का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं। तो ऐसे समय में ये लोग DJ बजाते हैं, डांस करते हैं, नाच करते हैं, और उनकी परंपरा के अनुसार करते हैं, तो इसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, और वो लोग कानूनन रूप से गलत तरीका से शिकायत करते हैं, और पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का बात मानती है, और हमारे लोग सीधे साधे हैं, हर चीज में नियम कानून, पर इस प्रकार का झूठा आरोप लगा करके वो किसी को भी फंसाने की कोशिश करते हैं, पर इस प्रकार का कानूनी कार्रवाई करवाते हैं। से नारायणपुर के गोर्रा गांव में घटना हुई है, और घटना को लेकर के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।
ईसाई मिशनरी के लोगों के द्वारा वहाँ के हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई और उल्टा उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक वहाँ के एसपी कलेक्टर और पूरा शासन प्रशासन के दबाव में कहें या उनके संरक्षण में कहें, हमारे लोगों को आज भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। 60 से अधिक लोगों के नामजद FIR दर्ज किया गया है और अन्य 100 लोग ऐसा बताया जा रहा है, जबकि 31 तारीख और 1 तारीख के बीच में हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई। हम लोगों ने भी FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। भीड़ आक्रोशित हो गई और इसमें लाठीचार्ज तक की नौबत आई और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे लोगों को निःशर्त रिहा किया जाए और इसका CBI जांच करनी चाहिए और कौन दोषी है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक भाई को एक भाई से लड़ाने वाला, एक पति और पत्नी को लड़ाने वाला, एक समाज को उस समाज से लड़ाने वाला, गांव को गांव के व्यक्ति से लड़ाने वाला, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे चर्च का षड्यंत्र लगता है और इस पर जांच होनी चाहिए। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि हमने सूचना के अधिकार में वहां के कलेक्टर से आवेदन दे करके एक जानकारी मांगनी चाहिए और जानकारी भी हमको मिला। सूचना के अधिकार में कहा जाता है कि कलेक्टर के द्वारा एक भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं किया है विधिवत तरीका से, ना हमारे पास आवेदन दिया है ना हमको बताया है। इसलिए इस गांव में कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मतांतरित व्यक्ति नहीं है। जब उस गांव में कोई मतांतरित व्यक्ति नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो वहाँ कैसे चर्च बना है? वहाँ क्यों ईसाई पद्धति से शव को दफनाने की बात होती है? क्यों वहाँ ईसाई पद्धति से चंगाई सभा और प्रार्थना होता है? और इसी बात को लेकर के हमारे मांझी मुखिया माटी पुजारी गायता इन लोगों के साथ आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। इस विवाद की स्थिति को बचाने के लिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ आपके माध्यम से। आम जनता को भी अपील करना चाहता हूँ कि हम बस्तर के लोग, खास करके आदिवासी समाज के लोग, शांति प्रिय लोग हैं। हम पूजा पाठ देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लड़ाई झगड़ा छल कपट प्रपंच को हम नहीं जानते। हम सीधे सीधे प्राकृतिक प्रेमी लोग हैं, हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं और हमारे देवी देवता, हमारे नदी नाला पहाड़ जल जंगल जमीन, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अतिक्रमण होता है तो जो आज मारपीट हुआ, जो घटना हुई, जो हिंसक घटना हुई, उसमें तो चोट लगा ही हमको, लेकिन हमारे अंतरात्मा में जो चोट लगा है, हमारे मन की जो पीड़ा है, हम उसको किसी को व्यक्त नहीं कर पाते। इसका तो जांच होना चाहिए ना कि कौन ऐसे करवा रहा है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और हमने इसके लिए लगातार प्रयास किया है, ये आज की घटना नहीं है। नहीं, इसमें तो ऐसा कोई विषय नहीं है। हमारे देवी देवता, हमारे डांग डोली आंगादेव, वहाँ की धरती माटी, उसी को लेकर के विवाद हो रहा है ना। यहाँ तो ऐसा कोई विषय नहीं है। यहाँ पे डांग डोली और धरती माटी का जो पूजा है, पद्धति है, और जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज परंपरा है, इसको लेकर के विवाद हो रहा है। अब बताने वाला तो कुछ भी बता देगा। इस पे जांच होनी चाहिए और सिवाय जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से एक ऐसा फोरम बना है और उसमें हम लोगों ने कार्तिक उराव जी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को 348 सांसदों का हस्ताक्षर करके दिया था 1970 के दशक में, उसी मांग को हम कायम रखने की बात करते हैं। और जिस प्रकार से अनुच्छेद 341 में जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वही 342 में संशोधन होना चाहिए, और जो अपने देवी देवता रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेरे नाम रजय कुशंडी है, रहने वाला गरान जी टेकापारा का निवासी हूँ, जो जिला नारायणपुर है वहाँ का हूँ। सर जी, हम लोग आदिकाल से जिस गांव में रह रहे हैं और पीढ़ियों से रह रहे हैं, और वहाँ पर ऐसे ही कि हम लोग पूजा पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं, और ये क्या कहते हैं कि आपका माटी को पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, और हम लोग ऐसे करते करते कई पीढ़ियों से हमारे पिताजी दादा परदादा जो करते आ रहे हैं वैसे हम लोग भी करते हैं। फिर भी आज जो है ना ऐसे स्थिति आ गई है कि ये पूजा पद्धति को कई लोग ऐसे तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। ईसाई मशीनरी लोग पूजा पद्धति को अनाप शनाप गालियाँ बकते हैं, कई लोगों को बरगलाते हैं, आपस में भाई भाई से लड़वाते हैं और मारपीट आदि भी करवाते हैं।
देखिए मुझ पर ऐसी, मैं कुछ काम से नारायणपुर से इधर ग्रांडी से एड़का जा रहा था। उस दिन एक तारीख की समय है, लगभग 2 बजे की समय है, दिन रविवार है। मैं एड़का जा रहा था तो इन लोगों ने रास्ते में ही उन लोग रोक के ईसाई मशीनरी जो करोड़ में इन लोग मारपीट किया मुझसे, और लाठी डंडा से मारपीट किया, और कह रहे थे कि ऐसे पुजारी और जो गोंडवाना के जो सदस्य हैं, मुरिया समाज के सदस्य हैं, इनको मारपीट करना है और करो, ऐसा करके कह रहे थे। अभी वर्तमान में वार्ड पंच भी हूँ। आप तो टारगेट किया था? जी जी, उन क्या कहते हैं ईसाई को शिकार क्यों बनाया, आप पे हमला क्यों किया? नहीं, जिस गांव में गया था सर, मैं वहां का पुजारी भी हूं और अभी वर्तमान में पंच भी हूं। तो ये पुजारी गांव का पुजारी है और गोंडवाना का सदस्य, मुरिया समाज का सदस्य करके इनको भी मारो 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 ऐसा करके मार किए। जी लगभग 200 के आसपास थे सर, रास्ते में डंडा लेके बैठे थे रास्ते में ही, और कुछ लोग मुझ पर वार किए सामने से भी और पीछे से भी। मैंने FIR करवा दी है और जी जी सबके सबका FIR करवा दिया है मैंने, और इनकी पता नहीं प्रशासन क्या एक्शन लेती है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब एक्शन लेती है नहीं लेती है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर अभी इसके पुनः फिर जाँच पड़ताल कराएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पूजा पद्धति को मानते नहीं है सर। दूसरी बात, आप अभी आप कह रहे थे कि कुछ गांव में ऐसे गांव जो है जो टोटली कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा आपका कहना है? वो हमारे गांव के पास एक तो गांव है सर, वह एक तो मंदिर बना हुआ ना, उस मंदिर को बनाने देते हैं ना बनाते हैं, वह टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं। 2 गांव है, एक चिपरेल गाँव है, एक तेरदुल गाँव है। क्या का नाम है? चिपरेल एक तो गाँव है जी, और तेरदुल एक गाँव जी जी, वहाँ पर टोटली मंदिर जो ध्वस्त हो चुकी है, और मंदिर को बनाने देते हैं ना बनाते हैं, जो शासन की योजना आती है शासन की योजना को भी नकार देती है जो मंदिर के नाम से। जी जी, तेरदुल और चिपरेल सर, जैसे मंदिर बनाने नहीं देते हैं तो आपने शिकायत भी की? शिकायत की है सर, लेकिन गाँव वाले क्या है, वहाँ के लोग टोटल पास्टर हैं और क्रिश्चियन में जाते हैं, तो वो कहाँ बनाने देते ही नहीं। 2-4 पुजारी रहते हैं सर, पुजारी और पटेल मात्र 2 ही रहते हैं, उनको भी दबाव डालते हैं कि मत बनाओ। आपका मैं सोच भी रहा था उसका फोटो वगैरह लेके फेंक ये करूँ कि ऐसा करूँ ऐसे सोच भी रहा था, लेकिन कारणवश नहीं आ पाया हूँ क्योंकि माहौल स्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। ये जो आप लोग पे हमला हुआ है, करीब 200 लोग आप बता रहे हैं, FIR भी आपने किया, गिरफ्तारी हुई क्या इस मामले में? ऐसे तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर, कुछ लोग बचे हैं से, कुछ लोगों का तो हो चुका है तो कुछ लोगों का हुई नहीं ऐसा है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट कराने के मतलब कुछ तो साजिश होगा सर। ये पास्टर जो है ना बरगलाते हैं, यहाँ आने से ऐसा होगा, यहाँ आने से तुम लोग को दुख दर्द दूर होगा, जबकि ऐसा दुख दर्द होता और दुख दर्द इनको पकड़ता तो बड़े बड़ी हॉस्पिटल खोलने की तो जरूरत ही नहीं है, वही झाड़फूक में ठीक हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर ऐसे बरगलाते हैं सर। सरकार से अपील हमने की है सर, सरकार को अपील की है कि यहाँ मंदिर पर बनना चाहिए, वहाँ सरकार से कोई ऐसा कमी नहीं है, सरकार जो है ना पूरा देना चाहती है योजना, लेकिन कुछ ऐसे गांव जो बनाने नहीं देते हैं। और दूसरी बात है कि आप कहना चाहिए कि अभी वहाँ के लोग जो हैं कई कई जगह बन चुका है, कई जगह बनाई भी नहीं है, जहाँ पर थोड़ा शामिल है लोग वहाँ पर बन रहा है, और कई जगह बिल्कुल बनाने नहीं देते हैं सर, चर्च वाले ही बनाने नहीं देते, 100% चर्च में जाते हैं लोग, परिवार जाते हैं, इसी कारण वहाँ पर मारपीट आए दिन मारपीट होते रहता है सर, परिवार परिवार में टूट पैदा हो जाता है, परिवार परिवार अलग थलग हो जाते हैं। उनको जोड़ने के लिए सर हम लोग सलाह देते हैं कि भाई अपनी मूल धर्म में वापस आ जाओ, स्वागत है, हमारे तरफ से कोई उनको डांट दबाव नहीं है, तुम स्वेच्छा से आ जाओ बढ़िया है, लेकिन इसको भी नकार देते हैं सर, बिल्कुल कट्टरतापन दिखाते हैं, कट्टरतापन दिखाते हैं, नहीं मिलेंगे, कुछ लोग मिल जाते हैं कुछ लोग नहीं मिलते, एकदम कट्टरतापन दिखाते हैं सर। अभी तक कितने परिवार घर वापसी कर चुके हैं, कुछ आंकड़ा है क्या आप लोग? लगभग हमारे जानकारी के हिसाब से लगभग 100 घर तक के वापसी हो चुका सर। एक चीज जानना चाहूंगा, अपने जनजातीय समाज अपने धर्म और इसको लेकर के इतने जागरूक और कट्टर रहते हैं, उसके बाद ऐसे कैसे हो रहे हैं ये एकदम से थोड़े से पैसों के प्रलोभन में आकर के वो अपने धर्म को छोड़कर उसके प्रति ज्यादा कट्टर क्यों हो रहे हैं?
इसके पीछे कुछ होगा सर, उन लोगों का कुछ चाल होगी जो कट्टरतापन होने का, कुछ उनके वजह होगा जो उनको पास्टर द्वारा सिखाया जाता होगा कि कुछ ना कुछ इनको करते हैं तभी ऐसा कट्टरतापन नहीं करते, नहीं तो अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी नाम श्यावती दुग्गा, मैं गरम गोरा से आई हूँ। हमारे गांव में एक मीटिंग हुआ था, वहाँ सब लोग गांव मान बैठे रहन, सब जान बैठे रह के कुछ कुछ समस्या बोल के चुपचाप बैठे रहन। ओकरे बराइस यीशु मसीह लोग टेंगा दर के आईस और मारिस, रोड मेंड आईस और मारिस और बगाइस, कौन कौन लतो मारिस, गाड़ी उड़ेला फटक देस, गाड़ी पूरा जान ला मारिन। हम लोग कौन कौन तो बगाइस जंगल में और बचाइस, ओ मनला मारिस, पुलिस लोग वहाँ रहा, लेकिन वो लोग नहीं बचाया, वो उसको पानी पिवाया सुमति लोगों को, हम लोगों को नहीं पिवाया। वो लोग तुम लड़ते हो तुम जानो कहा, हम लोगों को कोई नहीं पूछाया, नहीं क्यों क्यों मार रहे थे? वो तो क्यों मारी सो तो आई सौर मारी से एकदम, क्या बोले थे उसको? तो कुछ नहीं बोला, पुलिस से आप लोग बताया ना? नहीं बताया, नहीं बताया। ईसाई लोग मारे तो क्यों मारे? वो बताया रहा है जान, वो लोग बताया रहा है, तब तो हम ला मारी। नहीं तो बोल रहे थे मारते समय कुछ? कहाँ बोलते, भगने जाए रहा। आपको क्या लगता है क्यों मार रहे ईसाई लोग? वो बैठक में कुछ कुछ तो गा मन बोला, थब मारा, वो एकदम आईस एकदम गुस्सी सौर मारिस। वो बैठक में क्या बात हुई? बैठक में वो देवी देवता में नियाओ कहीं लानो पूजा पानी ओसन बैठक करे रहा जान, देवी देवता में बैठला नहीं आए वो यीशु मती लोग, उसके बारे में संगठन मीटिंग करे रहा है हमारे गांव के मन। ठीक है, नाम बता दो। उसके बाद वो कौन कौन तो बोला, हम लोग को मार डाला बोला, तहने पटेल गायता को भी मारूंगा बोल रहा था, वो लोग खत्म करूंगा बोल रहा था, इसलिए हमारे जनता बोला ओ हम लोग को कैसे मारेंगे बोला। कौन बोला ऐसा कि पटेल गायता को मारेंगे? ओ यीशु मती मन, ओ यीशु मती यीशु भी तमन श्रीमती रन्नाई उसेंडी। क्या हुआ था एक जनवरी को बताइए? बैठक रहते हैं गोरा में, पटेल गायता मन पूजा करते हैं, ओ मन आए रहन बैठक खत्म हो तो बैठ रहन मैं, ओ मन टेंगा बड़गा दरते लाए रहन हसिया मन पूरा दरते, तो हम लोग तो बात नहीं दरते है, टेंगा बड़गा नहीं दरते है, वो मन समरे मासिन आए रहन, मैं तो डरते बरिंग बट जाए रहन, बरिंग बट बीती तो अचड़े पुरुष पुरुष ही तुर माकुन, अचड़े माकुन पर तो हाँ मिकुन जग दनाटा पुड़ कोम दनाटे मनवीर हवकी कोम मिक पिस होम या वितने दर सकल प्यार जर माँ की तू रचन हव कठ हव वालोर याते जंगल में पीछे आके मारे। हो हिंदी में बता दो यार, हिंदी तो नहीं आते हैं, बताओ ना। आ रहा हूँ। कहाँ कहाँ मारे? दौड़ा के मारे? हो दौड़े दौड़े के गरम गोरते मन तो पटेल मन इता पटेल मन निक वेडा ही तोर निक बाता ही तोर इंजर इंदुना कुना जन बोर तो मियर जात मन बोर तो वेडा ही आई तोर श्रीमती श्यावती दुर्गा गरम में गरम गोरा से आया हूँ, आया हूँ हमारे गांव में एक तारीख में बैठक हुआ, वहीं पर
बेटा खत्म हो तो बैठ रहा हूँ। टेंगा बड़गा हसिया में डरते आए रहा। आप लोग के ऊपर हमला हुआ क्या? हो, कितने लोग हमला किया? खूब जान 200 हो गए। मारेगा डर के आई सौर मारी मारपीट। हमन मान चुपचाप बैठे रहा गांव में। आई टेंगा डर के सब लोग कोच कोच के जंगल में भी कोजी सौर ले पत्थर पत्थर उतर के धर के हमला मारी। टेंगा ला टेंगा धर के मारी हसिया में। हो अलग से ले।